जोहार इन शोभा हास्दा आप जो संथाल डायरी कार्यक्रम दरा में पे गति को नीतिया

अब संथाल विद्यार्थी गति कुे जे चलका प्रशिक्षण होते हेते चलका उनको दो रकम कमी कु चे दाया तेन बुन चल फतेहपुर प्रखंड उकादो कना जामताड़ा जिला ने गोद्दार्थी को चलका व्यवसायिक शिक्षा नामक चलका उनको जिनिस चेक जेमन उ लगी तराम परेशानी गये व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचा भारत के युवाओं के लिए काम के बेहतर अवसरों तक पहुंचने की राह तैयार करना है इसका उद्देश्य आजीविका के बेहतर अवसरों के लिए युवाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद करना और इनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊपर उठाना है यह एक कौशल आधारित कार्यक्रम को संदर्भित करता है जो छात्रों को एक विशिष्ट व्यापार का ज्ञान प्रशिक्षण और व्यवहारिक कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है इसी क्रम में आपको दिखाते हैं कि किस तरह जामताड़ा के फतेहपुर में यहाँ के साथाली क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह एक वरदान की तरह साबित हो रहा है दर्शकों नमस्कार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड में उपस्थित हैं यहाँ इस विद्यालय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है चूँकि व्यावसायिक शिक्षा जो होता है वो बच्चों के भविष्य के काफ़ी काम आता है शिक्षा तो मिलती ही है उससे बच्चों का विकास होता है देखिए अगर व्यावसायिक शिक्षा मिले तो बच्चों का संपूर्ण विकास होता है और आने वाले जीवन में उनको काफ़ी लाभ मिलता है आज इस विद्यालय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को खिलौने बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है चाहे वो मिट्टी के हो चाहे वो टेडी बियर हो किस प्रकार से बच्चे बनाकर और अपने हुनरमंद हो रहे हैं आइए जानते हैं देखते हैं मैं मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखना मिला है मैं जैसे कि मैं कंप्यूटर सीख रही हूँ मुझे वोकेशनल सामान में से टेडी बियर बनाना आता है मोमबत्ती बनानी आती है पेंटिंग सब कुछ आता है जितना कुछ यहाँ हमें सिखाया गया यहाँ बहुत चीज़ की सुविधा भी है सिखाने तो के लिए यहाँ प्रशिक्षक भी आया आया करते हैं स्कूल से हमें सारी सुविधाएँ मिलती है अपने मतलब माइंड से सब कुछ मतलब कर भी सकता है और उस चीज चीज़ में उसको मतलब ज़्यादा ही है मतलब कि ज़्यादा उसको मन लगता है उस चीज़ में वो आगे भी बढ़ सकती है आगे बढ़ के वो कुछ कर सकती है उस चीज़ में अगर वो पेंटिंग अच्छी करती है तो पेंटिंग की टीचर्स भी बन सकती है अगर वो मोती कला में अच्छी है तो उमोति, तो मोती कला सिखाने भी जा सकती है ऐसे कि वो दो पैसे भी कमा सकती है जिससे उसे रोजगार की सुविधा मिल सकती है जोहार इंटर मेरी सांसदा जे बी ए बी स्कूल रन छात्र कहीं इन दो ट्वेल्थ रही पढ़ा करना और ना जिन चीज़ चिकाले ड्रयिंग भोसनाल नो कोई टीचर जुतना को हूंते हैं ची आल को जैसे अलेन ची कते नेशनल लेवल दाजे चलाव हेमारानी टुडू मूर्ति काला मजे बनाए हैं नीति जैसे सिमाय बनाए को तयोगाक नेसनल धरिक भोेशनल चीका टेडीवेर बना बहा बना को मोमबाती को निये ची का जिनिस ला चलाव दड़िया ओर से जहाँ बाक जगह से बना लगे चला इटे चीत को पैसा कमागी राष्ट्रों के विकास के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है और व्यवसायिक शिक्षा उन्हें नौकरी के लिए तैयार करती है साथ ही व्यवसाय और सरकारी दोनों क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की मांग कई गुना बढ़ गई है इसके अलावा पिछले वर्षों के दौरान व्यवसायिक शिक्षा में अत्यधिक विविधता भी आई है आप जो ये टेडी बियर बना रहे हैं इससे आपको किस प्रकार से आने वाले समय में फायदा होगा जुदी पढ़ा सा और बाहक को बिना तो तब फायदा बिना जैसे पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई तो जिन से चिका दाड़ गया वैसे और जैसे नया कोई तो खा इटा स्कूल रे ट्रेनिंग को कुल गया को और क्या चीज को मेहनत पैसा उड़ा ये खर्चा को चलाव दाड़िया और गोबा बा में एम दड़ी कुआ। वैसे जैसे स्कूल को को माले थे ना अलग पैसा तो लगे ये जो मिट्टी का बर्तन आप बना रहे हैं इसमें किन किन चीज़ों का आपने प्रयोग किया है और जो रंग हम देख रहे हैं ये किन मतलब कैसे बनाए हैं इन दो क्लास कुछ वोकेशनल क्लास टेडी बियर मूर्तिकला से

जैसे टेडी बेयर ले चिका खाए मामबती बिना ले चिका तो आले जहाँ स्कूल रे जो कौन टेनिंग हुई तलिया जो को चला आर गिदर ले ची दारीयु कुआं भारत उभरती हुई प्रतिभाओं की भूमि है प्रत्येक बच्चे में कौशल महारत हासिल करने की क्षमता होती है जो युवा के दौरान लाभ कमाने में मदद करेगी हमारा देश बच्चों को उनके स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी करने का इंतजार करने के बजाय स्कूली शिक्षा के दिनों से ही कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व को समझने लगा है कि यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है जैसे में, ये सब, जितना क्लास है उसमें बच्चा ये करे और कुछ आगे जा और दूसरा ये में सीख जाए सिखाए बच्चा को क्या फ़ायदा है सर कि फिर मतलब ये लोग जैसे पढ़ लिए अपना तो पढ़ के अपना मतलब कोई में सीखा पाए कुछ नौकरी मिल जाए कोई चीज़ में ड्राइंग में पेंटिंग में या टेडी बियर बनाने सीखी है वोकेशनल बहुत कुछ सीखी है मधुबनी पेंटिंग और ये क्या बोलते हैं मोमबत्ती तो ये सब अपना ये करके अपना नौकरी कर सकते हैं कुछ कमाए जा सकते हैं अभी नई शिक्षा नीति जो आई है सरकार की उसमें कौशल विकास बोले या वोकेशनल ट्रेनिंग बोलिए या व्यावसायिक प्रशिक्षण एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है जैसे कि पहले था कि आप मतलब टेन uh, ट्वेल्व के बाद जा के आपको कोई वोकेशनल सब्जेक्ट रखेंगे और उसके बाद उस पर पढ़ाई करेंगे लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ भी आप वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है जैसे हमारे यहाँ देखिए मूर्तिकला में है सी सीमा नाइन क्लास की है और ये इतना अच्छा मूर्ति बनाती है कि मतलब पिछले साल हमारे यहाँ हेमा रानी थी वो नेशनल लेवल पे गई तीसरा स्थान प्राप्त की जिसमें उसको पंद्रह हज़ार रुपया कैश प्राइज़ भी मिला और मेडल भी मिला और इससे बहुत सम्मान झारखंड के लिए बहुत गौरव की बात थी तो अभी जो है मूर्तिकला पर ध्यान देते हैं इससे ये होगा कि शिक्षा नीति के साथ साथ बच्चों को लगेगा कि हम पढ़ाई के साथ कुछ कर रहे हैं पहले था कि ये मूर्ति बनाती थी, थी लेकिन इनके मतलब ज्ञान का कोई कदर नहीं था लोग सोचता था यूं ही मूर्ति बना रही है और ये दीपावली में गणेश और दीपक का जो मिलता है वो दीपावली तक ही है लेकिन जब से ये शिक्षा नीति में ऐड हुआ है तब से लोग बच्चों का भी रुझान उस ओर बढ़ा है टीचर भी टीचर को भी एक मतलब प्लेटफॉर्म मिल गया है मूर्ति कला और अभी जैसे हम किसी टीचर को बुलाते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं बहुत सारे विद्यालय में हमको बुलाया जा रहा है तो इससे लगता है कि नहीं उनके लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है और ये नई शिक्षा नीति के तहत हमारे विद्यालय में ये चल रहा है व्यवसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को कैरियर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है और आज इसी प्रक्रिया से संथाल क्षेत्र के ये बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं इनमें छात्रों को उनके चुने हुए करियर क्षेत्र में वास्तविक समय और व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए तैयार करना शामिल है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको आ, मतलब हम लोगों ने और हमारे विद्यालय की छात्राओं ने मतलब बेहतर करने का आ, प्रयास किया है जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग लीजिए या कौशल विकास को लीजिए तो हमारे यहाँ ब्यूटिसियन का मतलब आ, ट्रेनिंग हो चुका है कैंडल मेकिंग हो चुका है डिज़ाइनर कैंडल फ्लोट कैंडल और नॉर्मल जो कैंडल होता है वो सब मार्केट में जो ये होता है वो सब ये जानकारी दी गई है फिर बोनसाई ट्री बनाने के लिए डेकोरेशन का सामान हुआ फिर अभी मूर्तिकला पॉट पेंटिंग पे और टेरा कोटा पे काम हम लोग के यहाँ विद्यालय में चल रहा था फिलहाल कुछ दिन पहले वो समाप्त हुआ है और उसमें है ढेर सारा फ्लावर जैसे कि बनाना अब मार्केट में वो फ्लावर आप खरीदने जाइएगा तो सात से आठ सौ में फ्लावर आएगा जिसको आप सौ डेढ़ सौ रुपये खर्चे में अपने घर में बना करके बाहर बेच सकते हैं उससे रोज़गार कर सकते हैं सिर्फ यहाँ से मान लीजिए बहुत बच्चियाँ पढ़ी पढ़ के कुछ नहीं की घर में गई तो इस तरह से वो ब्यूटिशियन का कोई ब्यूटी पार्लर खोल लेंगी तो उनसे अपना कुछ विकास का काम कर सकती हैं अपने लिए पैसा अर्न कर सकती हैं और इस तरह से ढेर सारा जो सरकार का है हम लोग के यहाँ सौ रुपया पर बच्चे पैसा दिया जाता है तो अगर हमारे यहाँ तीन सौ छात्राएँ हैं तो लगभग तीस हज़ार रुपया साल में आता है वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर तो उसको हम लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लड़कियाँ उसको सीखें और सीख कर अपने तक ही नहीं रखें जब वो घर जाती हैं तो ब्रिटिशियन का जो है आईब्रो बनाना या हेयर कटिंग करना तो वो घर में भी जाके करती हैं तो उससे सिर्फ वही शिक्षित नहीं होती हैं उनके आस पड़ोस की भी जो है वो भी शिक्षित हो जाती हैं और वो भी उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं ताकि वो भी कहीं पे जा करके अपना छोटा सा रोज़गार आ, कर सके और महिलाओं के लिए तो रोजगार करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर उनको सरकारी जॉब नहीं मिला तो रोजगार करके भी अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं गति को कु तो कुन जे चेका सन्थल विद्दार्थी को उनको दो चलका व्यवसायिक शिक्षा हो को स्कूल उनको दो व्यवसायिक शिक्षा नाम करते को तैयार और उना दिला गया बड़ाया नल जल योजना बाबत

निकल तो दो इन सुविधा नाम दा जे अब दुआर रेगी दा बो नाम दिला तबे गति को नवा योजना होते ते हर से जानता खैराबनि अतून होर चलका लाभ को देश के कई इलाकों में आज भी लोगों को पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर तक चलकर जाना पड़ता है आज भी साफ़ पानी कई लोगों को बमुश्किल ही मिल पाता है खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां सुविधाओं का अभाव होता है लोगों को साफ पानी पीने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है और आज इस योजना से जामताड़ा के फतेहपुर के खैरवानी गांव के लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है आज हम जामताड़ा जिला के बारामसिया प्रखंड के खेरबनी गांव में उपस्थित हैं यहां के ग्रामीणों से जानेंगे जल नल योजना के तहत यहां के ग्रामीणों को स्वास्थ्य में कितना बदलाव आया है कितना परिवर्तन आया है एक समय ऐसा था कि यहां के ग्रामीण दूषित जल पी के उनके स्वास्थ्य में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही थी जानने के लिए आए हैं कि स्वस्थ पानी पी के उनके जीवन में कितना बदलाव आया है और स्वास्थ्य में कितना परिवर्तन आया है जहाँ जल नल योजना सरकार से चला करना उड़ा उड़ा रहे दा चलाको और पहिलद दाग असुबागे ना डुभ डाड़ी दाकते हैं जलन होते दा को दा सुद्ध दाको नामते बोले रोगबीन आलो लगे रोग विदिन लगी थे, और लाद रोगबी अटकना नित रोग बिदी ख़ा हुए सूद दाँ कोई जल नल योजना नित कमी शुरू कर प्रत्येक नवा कनेक्शन तो एम और आधार तक नल से जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया गया था इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से इस योजना पर साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जल जल योजना जहाँ तीस बान हल डा डाढ़ी नौका कुकना चापाकल को दागेना को बीमारी को ना मज़को जैसे कि नो जहाँ खराबी अतूरे देख रग लगे हहोक और खराबी के के हो के उन खबर को लैदा और खबर लैकाना जहाँ सरकार से बजट हजुना आधार जूत सोना प्रावधान दौड़ा जल जल योजना ने नवाई एहबक नस खे सूकना जो वाला तगका मैं कमी रेनिंग चलाना ला रुआ हसून जैसे आमा रुआना नित रुआना दाक मज़दा को रुआ हसूद कि जैसे नोत ताप आधार तगे चलुकना वनाते आठ बजे बाखा दादाय ऐसे तो सारा दिन आलू चला लगी थे, या बंद कौ, बंद दा और आधार से सेता आठ बजा दस बाजा हड़ादा तिक बारोन एक दो बजे है अभी कड़ा था पाँच बजे कौन इस योजना के तहत 2024 तक सरकार देश के ग्रामीण इलाकों में हर घर में पीने के पानी का कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रही है पहले पानी का व्यवस्था दूर दराज से महिला लोगों को दिक्कत हो रही थी लाने में कहीं चपाकल दूर दराज में या चपाकल या फिर कुया कहीं दूर दराज से लाना पड़ता था लेकिन अभी फिलहाल जब से ये सब चालू हुआ है टाइमली सुबह शाम जिस जिस प्रकार पानी मिलता है उस प्रकार पानी मिल रहा है और उसी पानी से अभी जीवन यापन हो रहा है अभी फिलहाल कोई बीमारी वाला संकेत तो है नहीं इस पानी में ठीक ठाक के देख रहे हैं तो अभी दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं और ये पानी अगर सक्सेसफुल हो गया हर घर तक अगर पहुंच गया अभी तो इसका काम प्रगति पर है चल भी रहा है काम पूरा एरिया में देख रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी बोल रहा है जे इसका काम क्लियर हो जाएगा महिला का तो समय निश्चित बच रहा है कि पहले दूर दराज में लाने के लिए कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट 30 मिनट का वक्त लगता था लेकिन अभी फिलहाल उसका घरे में जितना पानी का जरूरत है वो पानी तो मिल रहा है, तो तो है ताँग तो ताँग तो अभी तो उसको टाइम तो खत्म हो गया वो टाइम तो उसको मच गया अभी तो फिलहाल इस जलल जल नल योजना में गाँव के लिए वरदानी है बदलाव तो बहुत है।, है क्या बदलाव है जैसे पहले हम लोग दूर दराज से पानी लाते थे अभी सरकारी नल वाला काम चला रहे हैं घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जा रहे हैं इसके अंतर्गत जल संरक्षण जैसे विषयों पर भी काम किया गया है हर घर तक नल और पेयजल साथ ही प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि दिन भर नल का पानी खुला छोड़कर न रखें घर के बेकार पानी को कैसे दोबारा इस्तेमाल करें और यहाँ जल टैंकर जो हुआ है पहले हम लोग का चपाकल से पानी अच्छा नहीं निकलता था अभी जल टैंकर में होकर यहाँ का टावर बैठा कर पानी नल में आता है और वो पानी अच्छी तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं वो सुबह आठ बजे से बारह बजे तक और इधर शाम तीन बजे से छः बजे तक पहले ज़माने में पुराने ज़माने में तो पानी शायद सामने आमने था ही नहीं अभी जल टैंकर होकर पानी बहुत जल्दी से सामने औरत को महिलाओं को लेने के लिए सुविधा होता है और वो पानी लेकर अपना किचन में जाकर रसोया बनाने में अच्छी तरह से समय को उपलब्ध करवाता है पहले तो हम लोग कुआं का पानी पीते थे और अभी नल का पानी जो आया है दूषित होकर ये पानी अच्छा पानी है ये पानी पीने से शरीर का लाभ होता है जल नल योजना ये डिपार्टमेंट ने कराया है और वो जल नल योजना को घर घर तक पहुंचवा देता है पानी समय समय पर पानी औरत को मिलता है और वो पानी समय पर लेकर अपना रसोईया के बनाने के लिए उन लोग को सुविधा होती है परेशानी नहीं पड़ती है इस योजना से लोगों को कई लाभ मिलेंगे सबसे पहला और महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को शुद्ध और पीने योग्य पानी मिलेगा साथ ही इसके लिए उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पानी की समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा और दूषित पानी पीने से होने वाली बीमारियों से भी बचाव होगा बदलाव आदिवासी मतलब नला रे डुभा से कुछ दागे रुआ मान लिया बी नला दागे सकते हैं दाते लाज बहुत बीमारी हो जल मीनारे नल को मज़दा बोले ठीक है हर नागरिक को जल संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा तभी इस योजना को सफल बनाया जा सकता है और इसका उद्देश्य पूरा होगा ये जो पानी के लिए ये गवर्नमेंट जो ये स्कीम चालू किया है इससे हम लोगों को एक आशा की नई किरण नज़र आ रहा है हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो पहले के लोग तो हम लोग जोरिया से पानी पीते थे उसके बाद कुआँ से पानी पीने लगे उससे बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा रहता था अब चापाकल हुआ तो ख़राब हो जाने से जल्दी मरम्मत नहीं हो रहा था अब इससे आने से हम लोगों को बहुत फायदा होगा और हमारे पूरे गांव वाले बहुत खुश हैं बहुत खुश हैं हम लोग इस जितना जल्दी चालू हो सके हम लोग तो सरकार को धन्यवाद देते हैं या जो भी इसमें जुड़ा हुआ आदमी है उनको हम धन्यवाद देते हैं गति को कार्यक्रम

नुआ योजना होते ते गाती को बीपीएल घरोज रेन हॉर्ड दो मौज उड़ा पक्का उड़ा को बिना दाड़िया करना उनको तो सरकार से खोन गोड़ो को नामे करना और उना होते ते उनको आ मिटन उड़ा रिया कुकमु दो पुर कांता कुआ और उना साउंटे गाती को हिजु कान दिबी लगी अब अब जोतो को अड़ी ते एकी शुभकामना ये माओ पे करना